नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूं कुछ ऐसे छात्रों से जिन्होंने 85% प्लस करके अभी कोरोना काल में पास हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पास तो हुए हैं, लेकिन क्या इससे ये खुश हैं या नहीं? क्या इन्हें लगता है कि हम इससे भी ज़्यादा ला सकते थे, या कभी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ज़्यादा मिल गया उसकी खुशी है? हमारे साथ ऐसे ही दो छात्र हैं जो आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा इनसे। हमारे साथ एक तरफ हैं शालिनी तिवारी जी और दूसरी तरफ जो हैं सुधांशु पांडे। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनका जो परसेंटेज बेस आया, इस बेस पर इनकी क्या बातें हैं, क्या रुझान है, ये लाइफ में आगे क्या करना चाहेंगे और इस परसेंटेज से ये खुश हैं या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि जो अभी तक जो चल रहा था कि 12वीं में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बाद अगर जो असंतुष्ट है इस परसेंटेज बेस से, जिसके पास परसेंट जिसका कम आया है वो दोबारा पेपर दे सकता है। इस मुद्दे पर भी बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इसका फॉर्म भी अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अब जो है हम आप लोगों को इनसे मिलवाएंगे और इनसे बातें करेंगे। पहले तरफ हम इनसे बात करेंगे सुधांशु पांडे से, ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपसे परिचित होंगे, तो दर्शक से अपना परिचय बताएं आप। नमस्कार, मैं सुधांशु पांडे, गांव पनवार चौहानन टोला से। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम श्री दामोदर प्रसाद पांडे है। आप 12वीं में कहाँ पढ़ाई किया करते थे? पनवार चौहानन टोला सीधी सरकारी स्कूल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार सीधी, वहाँ से आपने पढ़ाई किया। हाँ, क्या आप अभी तक जो आपका परसेंटेज बेस आया है जो 12वीं का, कितना परसेंट है आपका? 86% आया है मेरा। 86%, क्या आप उससे खुश हैं उस परसेंटेज बेस से? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर उतनी क्षमता थी लाने की? हाँ है, क्षमता थी। हाँ, तो अगर ये बताइए कि अगर कोई असंतुष्ट है जिसे लगता है कि हमने अभी तक जो है परसेंटेज जो अभी चल रहा है लगभग उनका मिला है 45%, और उम्मीद करते थे कि नहीं मैं अगर पास होता तो 86% और 90% लेके आता, वहीं आपको नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा ला सकते थे, या मतलब क्या लगता है आपको कि बस जितना मिला उतना ही बहुत है? नहीं, और ज़्यादा हम कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि वहीं वहीं तक पहुँच सकते थे, उससे ज़्यादा करने की हम लोगों की चाह थी। अच्छा, तो उससे ज़्यादा जो आपकी उम्मीद थी कि हम इससे ज़्यादा ला सकते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे, बस इतने में ही अभी करेंगे या फिर दोबारा आप पेपर देंगे? इतने में ही करेंगे, बिकॉज अभी जो है अगर हम दोबारा करेंगे तो थोड़ा लेट हो सकते हैं। अच्छा, अभी आपका क्या है, अब मतलब कैरियर में आप क्या करना चाहेंगे? कैरियर में इंजीनियरिंग करने का सोच रहा हूँ। इंजीनियरिंग करेंगे, आगे चल के इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। और कुछ आपका जो अभी तक आपने नहीं कर पाए या सोचा हो कि लाइफ में हम ऐसा चीज़ करेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं। किसान हैं, तो आप ये बताइए कि आपने जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया, तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल में अगर हम पढ़ाई करते तो शायद और ज़्यादा ला सकते थे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे सर लोग बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हम लोगों को। अच्छा, ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो प्राइवेट है या फिर सरकारी है। तो आपको क्या लगता है, जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया था उस पढ़ाई से आप कितना संतुष्ट हुए, जो ऑनलाइन के माध्यम से सभी को मोबाइल दिया गया और सभी बच्चों से लगभग ये उम्मीद की गई कि सभी ऑनलाइन जब अगर पढ़ाई करेंगे, तो उस दौरान आपको क्या लग रहा था जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, क्या ऑनलाइन से आप संतुष्ट थे पढ़ाई में? नहीं, ऑनलाइन से हम संतुष्ट नहीं थे, ऑनलाइन से पढ़ाई से कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई से जिसके पास मोबाइल नहीं थी पहले से, और वो चाह रहा था मोबाइल आ जाए, उसके पास मोबाइल आ गई और उसका मन भटक गया, जैसे कि गेम्स पर चला गया, ये सब हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोगों को देखने को मिल रहा, सबसे बड़ी बात ये कि कुछ ही दिनों के अभी बीते लगभग विगत जो है 3-4 दिनों की बात है कि एक फ्री फायर खेलता था लड़का जिसकी लत लग चुकी थी, और उसके जब माताजी को पता चला, उनके जब अकाउंट से पैसा कटता है फ्री फायर के माध्यम से, कुछ जब पैसा लगता है उनके अकाउंट से जब कटता है, उन्हें जब पता चलता है कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, तब बच्चे को डांट देती हैं। तो एक छठवीं का छात्र जिसकी उम्र 13 साल, 13 साल की उम्र में बताइए कि उसने सुसाइड कर लिया, उसका इतना दिमाग चल रहा था और गेम खेलने के चक्कर में वो भटक चुका था अपने पढ़ाई क्षेत्र से और जाके सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं यहाँ पर शालिनी तिवारी जी, जो कि अपना खुद इंट्रोडक्शन करेंगी और बताएंगी कि ये कहाँ से हैं और किस स्कूल से पढ़ाई कर रही थी। बताएं आप कैसे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई यहाँ 12वीं और सरकारी स्कूल में, क्या कैसे अपना इंट्रोडक्शन दें आप? नमस्कार, मैं शालिनी तिवारी, ग्राम कोरसर, जिला सिंगरौली से।
जी। और पिताजी का नाम आपका? श्री राजेश तिवारी। क्या करते हैं वो? कृषि है, कृषि अच्छा। के क्षेत्र में किसान है। किसान है वो। आपका परसेंटेज कितना आया है? 85%। क्या आप इस परसेंटेज से खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं हूँ, बट हो गया। नहीं तो क्या लगता है, इससे ज़्यादा आप लाती हैं या आपको ये लग रहा है कि कम हो गया है? नहीं, कम हो गया, इससे ज़्यादा आ सकता था। अच्छा, उम्मीद ऐसी है आपको। आपने जब ही जो ऑनलाइन पढ़ाई किया उससे आप कितना संतुष्ट थी? आपको लगता है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई थी कॉलेज में या स्कूलों में जो भी पढ़ाया गया तो उस क्या ढंग से आप पढ़ पाई उन सब चीज़ों को? नहीं, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं ये बात कि हम जो है तो इससे ज़्यादा ला सकते थे? अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं हुए, आपकी अगर पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई, तो आपको कैसे लगता है कि इससे ज़्यादा आपका आता? पढ़ाई, हमने मेहनत की थी पढ़ाई में, बस ऑनलाइन क्लासेस ढंग से नहीं हुई। आपने खुद पढ़ा? हाँ। तो क्या लगता है कि टीचर की ज़रूरत नहीं थी आपको? नहीं, ज़रूरत तो थी। तो अभी आप कह रही हैं कि मैं इतने परसेंटेज पर खुश नहीं हूँ, इससे ज़्यादा लाने की कोशिश कर रही थी आप। ठीक है, आपने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन मेहनत के बावजूद अगर आपको इतना ही परसेंटेज मिला है तो अभी क्या है, ऐसे ही चलेगा आपके लाइफ में? अभी आप करने का विचार क्या है आगे? मैं आपने कुछ सोचा नहीं अभी तक? हाँ। ऐसा क्यों लाइफ में? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब एम होता है किसी का कि दसवीं जैसे पास होता है तो इसका एक टारगेट हो जाता है कि 11वीं 12वीं पास होंगे तो आगे हमें लाइफ में ये करना है। तो क्या आपका दिमाग कहीं भटक चुका है कि आप एम्स दिमाग में पैदा नहीं कर पाई अभी तक? लक्ष्य आपका कुछ टारगेट नहीं बना कि क्या करना है? मेरा मन था डॉक्टर बनने का, बट फैमिली की ऐसी कंडीशन है कि हम नहीं कर सकते वो। फैमिली का कंडीशंस मतलब वो किसान हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन पा रही हैं। हाँ। यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो अभी आप पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आप लोन ले सकती हैं, ऐसी भी व्यवस्था है सरकार की जो है, तो उस व्यवस्था से आप पढ़ाई कर सकती हैं आगे। हाँ, कुछ दिनों का फिर सेवा आपको जो है तो फ्री में करना पड़ता है डॉक्टर बनने के बाद, 4 साल 5 साल की जो है, तो आपको पेमेंट शायद नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कुछ ही पेमेंट आपको मिलेगी। तो अभी आप अगर डॉक्टर बनना चाहती हैं तो लोन ले सकती हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? लोन लेना चाहेंगी, आगे पढ़ाई करना चाहेंगी डॉक्टरी की, या फिर कुछ और करना चाहेंगी आप? नहीं, अब कुछ और ही करेंगे। आपके माता पिता किसान हैं तो किस हद तक आपको सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेकर उनका सपोर्ट पूरा रहता है। अच्छा, माता जी क्या करती हैं आपकी? माता जी कुछ नहीं, हाउस वाइफ हैं। क्या नाम है आपके माता जी का? श्रीमती रानू तिवारी जी। तो ये जो आपकी माता जी हैं वो भी आपको सपोर्ट करती हैं? हाँ, पढ़ाई को लेकिन मेरे पेरेंट्स 100% सपोर्ट करते हैं। कितना पढ़ाई किया था आपके माताजी ने? कितना पढ़ाई किया था? मेरी माँ की पढ़ाई कुछ नहीं है जी, और पापा ने 10th क्लास क्रॉस किया था। तो आपके जो माताजी हैं उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया था? नहीं, उनका स्तर बिल्कुल जीरो था पढ़ाई का। तो साइन वगैरह कभी कोई चीज़ें अगर डॉक्यूमेंट्स की होती है तो उन्हें तो प्रॉब्लम होती होगी बिल्कुल पढ़ने के लिए, या फिर समस्या? अब हम लोगों के साथ बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते उनको भी आने लगा है बिल्कुल। हाँ। अब मतलब उन्हें ये फील हो रहा है कि अगर हमने लाइफ में पढ़ा होता तो शायद कुछ तरक्की करते हैं। हाँ। आपके परिवार में और कौन कौन है? हमारे परिवार में दादा, दादी, चाचा, चाची और भाई बहन सभी एक हैं। हाँ। पूरा परिवार इकट्ठा है। हाँ। तो ये आप देख रहे हैं कि इनका अभी जो है तो अगर समस्या बन रही है पढ़ाई का कि इन्होंने अभी तक इतनी मेहनत किया लेकिन अब समस्या आ जाती है अगर किसी चीज़ की, तो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और आपका जो है इंजीनियरिंग करने का क्षेत्र, अभी आपने बताया कि आपके जो पिताजी हैं वो किसान हैं, तो आपकी पढ़ाई आगे की कैसे हो पाएगी फिर? अभी तक लोन लेने का सोचा था, क्या पता क्या होगा, बट ज़्यादातर यही अपनी कोशिश है कि शायद कर लें। अच्छा, पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। तो जब किसान हैं तो क्या आपके यहाँ मतलब काफ़ी ज़मीन है काफ़ी, या फिर अनाज होता है कि बेचकर पढ़ाई होगी, कैसे होगी? नहीं, यही लोन के बारे में सोच रहे थे। वैसे ज़मीन का तो कोई नहीं है, ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बेच सकें जी। अभी उसमें हम लोगों का पूरा रोजी रोटी के अलावा उससे कुछ नहीं निकल सकता। तो अब आप ये बताइए कि जो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो 12वीं में आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप उनसे अब सीनियर हो चुके हैं, आप लोग जो है दोनों कॉलेज में एंट्री करेंगे, और कॉलेज में जैसे एंट्री कर रहे हैं तो आप जो अपने से जूनियर हैं जो 12वीं में आएंगे और जिनका समस्या ये बना हुआ है कि पढ़ाई का जो स्तर है वो कमज़ोर होता जा रहा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें
और मोबाइल का गलत उपयोग ना करके उसे स्टडी पे मीन्स स्टडी के लिए यूज़ करें। बिल्कुल, इनका कहना सही है कि जो आप हैं तो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं मोबाइल को लेकर। 24 घंटे अगर एक मोबाइल अगर एक परिवार में है तो पढ़ने का टाइम सिर्फ 1 से 2 घंटे का होता है। अगर उन्हें 1 से 2 ही घंटे अगर फ़ोन दिया जाए तो शायद वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पूरा दिन के लिए अगर फ़ोन दे देते हैं और डाटा दे देते हैं तो वो मोबाइल में कभी गेम तो कभी उटपटांग सी चीज़ें देखने लगते हैं, जिसके चलते समस्या बन जाती है। लोग जो है परेशान हो जाते हैं और बच्चे राह से भटक जाते हैं और खुद सुसाइड कर लेते हैं, या तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, कहीं बताइए कुछ कोरिक्स तो कहीं कुछ और नशाओं के बीच में डूबने लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने से जूनियर छात्रों को कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? हम यही देना चाहेंगे कि वह है जो मोबाइल का यूज है उसे बहुत ज़्यादा कम कर दें। ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही मोबाइल्स का यूज़ करें, उससे ज़्यादा मोबाइल्स का यूज कोई ज़रूरी है नहीं, बिकॉज आप अभी छोटे हैं, ज़्यादा यूज करना ज़रूरी भी नहीं है। फ़ोन आपके पास भी होगा? Yes. तो फ़ोन का आपने कितना यूज़ किया, आप 1 से 2 घंटे या फिर परमानेंट आपके पास फ़ोन था? नहीं, 1 से 2 ही घंटे तक। 1 से 2 घंटे? हाँ, तक मतलब स्टडी के लिए। और अभी आपको क्या लगता है कि क्या उससे ज़्यादा अगर आप अगर फ़ोन ली होती तो आप खुद भटक जाती? हाँ, ऐसा। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा ही कहना जैसा कहा उन्होंने कि मोबाइल्स का यूज़ मैं शायद उनसे ज़्यादा किया। अच्छा। हाँ, मोबाइल्स के में उनसे ज़्यादा किया। तो आप नहीं भटके इन सब चीज़ों से? मैं भटका था बट कंट्रोल किया। अच्छा, आप बीच में भटक चुके थे। हाँ, भटका। आपको किस चीज़ की लत लग चुकी थी? कह सकते हैं गेम की लत लगी थी मुझे। कौन सा गेम आप खेल रहे थे? सर, फ्री फायर। फ्री फायर। फ्री फायर की मैंने अभी बताया आप लोगों को कि फ्री फायर के गेम की वजह से कोई छात्र है जो कि परेशान हो चुका था और उसे लत लग चुकी थी और सुसाइड कर लेता है। तो बेहद दर्दनाक चीज़ें होती हैं ये, कि एक पिता जो होता है, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक पिता जो है वो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अपने परिवार को एक बच्चे को पालता है बचपन से लेकर, और लगभग जब तक उनकी मैरिज नहीं कर देता तब तक वो जिम्मेदारी समझता है। आज हम इन दोनों से एक मुद्दे पर और बात करेंगे कि 18 साल के बाद एक पिता से जो है छीन लिया जाता है बच्चों का अधिकार, कि बच्चे इसके बाद जो उनकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो इस पर हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या ओपिनियन है। आप ये बताइए कि जो है 18 साल के बाद एक बच्चे की और एक पिता की जो है तो मतलब अनबन अगर बन जाती है और 18 साल के बाद अधिकार क्षेत्र उनका छीन लिया जाता है, वो 18 साल के बाद अपने बच्चे पे कोई अधिकार नहीं जता सकते, कुछ करते हैं अगर तो कोई दिक्कत होती है तो बोल नहीं सकते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मतलब 18 साल के बाद भी माता और पिता का अधिकार आप पे बना रहे? बिल्कुल बना रहे। तो ये लाइफ टाइम बना रहे। जो ये कानून है कि 18 साल के बाद आपको फ्रीडम मिलना चाहिए और अपने मन से आप सब कुछ कीजिए, माता पिता का उस पे ज़्यादा राय हो तो भी चलेगी ज़िंदगी, अगर नहीं वो दे रहे हैं या फिर उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा या फिर आप चाह नहीं रही तो उन्हें आप छोड़ देती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, फ्रीडम मिलना ज़रूरी है, बस कहने की फ्रीडम, अगर वो कुछ चाह रहे हैं उनकी बातों को भी सुना जाए। बिल्कुल। लेकिन उन्हें बिल्कुल फ्री ना किया जाए। तो आप क्या कहेंगी कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पिता है वो अगर परेशान है कहीं ना कहीं से, जैसे आपने बताया कि किसान हैं आपके पिता, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया होगा और कहीं जॉब करते होंगे, जब किसानी करते होंगे तो ये घर पे, इसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं तो आखिर में जॉब के लिए जाते होंगे, उस जॉब के दौरान आप बताइए कि कितनी उन्हें परिश्रम करने के बाद आपकी पढ़ाई, कितनी पढ़ाई आपकी, अभी आपने बताया कि सरकारी हुई, इसके पहले आप कहाँ पढ़ती थी, कोई प्राइवेट संस्था था या बचपन से ही आपने सरकारी में पढ़ा? 8th तक मैंने मतलब सरस्वती स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट संस्था में पढ़ा, सीधी जिले में। हाँ जी। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट स्कूल 9th से। हाँ। मतलब 4 साल आपने जो जिंदगी अभी पढ़ाई में बिताया वो टोटल सरकारी स्कूल में। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का जो स्तर है पढ़ाई का, क्या लगता है कि प्राइवेट ज़्यादा बेटर है या सरकारी बेटर है? नहीं, स्कूल तो दोनों बेटर है, स्टडी जहाँ हो वो स्कूल बेटर है। अच्छा। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे, प्राइवेट संस्था जो है वो सही है कि सरकारी संस्था? दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी खराब है, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर जिधर पढ़ाई हो रही है जिस स्कूल में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, आप वहाँ जाएं, उस पर कंसंट्रेट करें, वो ऐसी स्कूल ढूंढें। बिल्कुल।
इन लोगों का जो राय है तो लगभग युवा क्षेत्र के लिए और आगे विकास कार्यरत करने के लिए, जिनमें इनका लाइफ अगर सेटल हो, हमारे भी इनको शुभकामना है कि ये ज़िंदगी में आगे कुछ करें और इतना करें कि इनका नाम बने, इनके पिता का नाम बने। चूंकि जिन्हों इन दोनों के जो पिताजी हैं वो किसान हैं और किसान तो आजकल सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई, चाहे खाद्य हो या फिर अनाज हो, हर चीज़ों में उसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। जुताई से लेकर डीजल पेट्रोल तक की हर चीज़ों का जो खर्चा है वो कहीं ज़्यादा होता है। और उनका लगभग इनके परिवार में, जैसा इन्होंने बताया कि हमारा पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, इन्होंने बताया कि हमारी एक बहन भाई और ये और मम्मी पापा कुल मिला के 5-6 लोग हो जाते हैं। तो इन 5-6 लोगों के बीच में अगर एक इंसान कमा रहा है तो बहुत ही किल्लत की ज़िंदगी जी जा सकती है, बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ये चीज़ हमसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी जो है किसान का बच्चा हूँ और किसान का बेटा हूँ, मैंने खुद वो ज़िंदगी जी है। हमारे साथ जो है यहाँ पर ये भी जो है सुधांशु पांडे, इनके भी पिताजी जो है किसान है और किसान होते हुए भी इन्होंने इनको इतना पढ़ाया, इन दोनों को जो पिता हैं दोनों को लगभग अच्छी प्रोत्साहन के साथ पढ़ाया। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या उन्होंने मना किया आप लोगों को, दोनों के पिताजी, जैसे कि आपके पिताजी, क्या मना करिए कि अब जो है तो पढ़ाई रोक दो या मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा वो कुछ नहीं बोले कि पढ़ाई रोक दो, वो बोले कि जो तुम करना चाहते हो वो करो, मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगा। अच्छा, आपके पिताजी ने क्या कहा? हमारे पिताजी ने भी यही कहा, बोला लोन के लिए अप्लाई कर दो, आगे की स्टडी कंटिन्यू रखो। क्या लोन अगर आप लेंगी और मान लीजिए कि आपका ध्यान कहीं और भटकता है और फिर इसके बाद आपकी कैरियर जो है लाइफ में जो है वो अगर एम्स गड़बड़ हो जाता है और आप वो लोन जो है नहीं भर पाती हैं, वो लोन फिर आपके पिता को भरना पड़ेगा या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पर खतरा है लोन लेने में? खतरा तो है पर स्टडी है, करना है। नहीं, मेरा कहना ये है कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद अगर दिक्कत इस चीज़ की होती है कि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है और हम उस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें, इतना आपको भरोसा है अपने आप पे, बहुत अच्छी बात है कि इनका जो भरोसा है वो कायम है और भरोसा अपने आप में भी रहना चाहिए कि हम ज़िंदगी में ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं जिसमें लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इनके शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से बस यहीं तक आपसे हमारी बातें हुई और आप लोगों को पता चला कि आखिर में जो आज के युवा हैं तो किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और क्या इन्होंने किया है। और इन शुभकामनाओं के साथ आपको भी हमारा काफ़ी शुभकामना है कि आज जो है तो सावन का सोमवार है और आप लोगों को सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलेगी कि इनके साथ सावन के सोमवार के साथ शुभकामना और सबसे बड़ी चीज़ ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज के जो युवा हैं भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नशे में, कोई गेम में, कहीं कुछ, तो इनका जो देखने को मिला कि ये लाइफ में आगे कुछ करना चाह रहे हैं और एक तो डॉक्टर बनना चाहता है, दूसरा इंजीनियर बनना चाहता है, तो इन्हीं से हमारे देश का जो भविष्य है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और इनके परिवार की भी तरक्की होगी और इनका जो है तो नाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो माता और पिता हैं जिन्होंने अपना खून पसीना, जैसे कि एक इंसान जो पौधा बोता है, बीज बोता है, तो जब पौधा होता है उसे जब वृक्ष जब वो बनता है तब तक एक किसान को उस वृक्ष के पीछे अपना खून पसीना सींच सींच कर वो जैसे बड़ा करता है, वैसे ही इन लोगों को भी बड़ा किया गया है। खून और पसीना बहाने के बावजूद आज जो इनकी तरक्की हुई है इसमें इनके पेरेंट्स का काफी योगदान रहा। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।